हेलो स्टूडेंट, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो को पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज कराऊंगी कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको दो प्रोसेस बताई थी, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन वो होती है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर लोब से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और फर्टिलाइजेशन उसके आगे की प्रोसेस होती है, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो वो स्टाइल से होते हुए ओवरी में, जो ओव्यूल के अंदर एग सेल यानी कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, उसके साथ में क्या कर लेता है, फ्यूज़ कर लेता है और क्या बना देता है, जायगोट बना देता है। यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट मेक जायगोट, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एंडोस्पर्म वर्ड आया है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है? एक फर्टिलाइजेशन होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन, एक होता है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन के अंदर हमारा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद में जो जायगोट बनता है डिप्लॉयड, उस फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बट जब सेकेंडरी मेल गैमेट सेकेंडरी सेल के साथ में फ्यूज होके एक नई सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, उसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्म। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है वो हमारी सेकेंडरी सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, मैंने कल आपको बताया था, जो ओव्यूल होता है ओव्यूल के अपर साइड में एंटीपोडल साइड होती हैं सेल्स होती हैं, और मिड में सेंटर में मैंने पोलर न्यूक्लियाई सेल्स बताई थी जो कि फर्दर डेवलप होकर हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल को फॉर्म कर रही थी, और नीचे की साइड में मैंने बताया था हमारा एग एपरेटस जिसमें एग सेल और सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट थी। तो जो सेंटर में जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं उसके साथ में जब सेकेंडरी मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है, उसे हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है। और एम्ब्रियो जो होता है वो आपको पता ही है, जब फ्यूज़ हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमेट तो जायगोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब जायगोट फर्दर डेवलप होके किस में फॉर्म हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो ये इस चैप्टर के नाम को मैंने क्लियरली आपको बताया ताकि आपको इस चैप्टर में जब आप इसके टॉपिक्स को पढ़ें तो आपको याद रहे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा। अब पोलन ग्रेन की ये प्रोसेस तो सबको पता चल गई कि हाँ ठीक है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, बट ये भी टू टाइप से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये मैं अब आपको बताऊंगी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। इन सबके भी टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन के भी टाइप होते हैं। तो जब हम पॉलिनेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर लोब से स्टिग्मा तक। तो मैंने बताया था कि पॉलिनेशन के भी टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से आप समझ रहे होंगे, खुद ही समझ रहे होंगे, सेल्फ मतलब अपने आप से, यानी कि जो एक प्लांट होता है उसके अंदर जो फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जब कोई फ्लावर अपने ही फ्लावर के एंथर लोब से और अपने ही एंथर लोब से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं अपने ही उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दे, वो प्रोसेस होती है हमारी सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ में उसके एक फ्लावर के एंथर लोब से उसी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने की प्रोसेस को भी सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इन दोनों का टाइप होता है किसका, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है
जो उसके खुद के फ्लावर होते हैं उसी के ही एंथर लोब से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो उसी के फ्लावर के स्टिग्मा तक अपने पोलन ग्रेन को पहुंचाना सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। उसके टू टाइप्स होते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर क्या होता है, जैसे ये फ्लावर है इसके अंदर जो उसका एंथर लोब है उस एंथर लोब के अंदर जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट हैं वो पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएं और पॉलिनेशन कर लें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोगैमी, या जो कि पार्ट होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन का। दूसरा होता है हमारा गियटनोगैमी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, उसी फ्लावर के उसी पेड़ के जो एक फ्लावर है इसके एंथर लोब में से पोलन ग्रेन्स निकलकर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर आके स्टिक हो जाएं और पॉलिनेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करें, इसको बोलते हैं हम गियटनोगैमी, जो कि किसका पार्ट होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, ऑटोगैमी और गियटनोगैमी। ऑटोगैमी के अंदर तो उसी फ्लावर के एंथर लोब से पोलन ग्रेन्स किस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी प्लांट के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, और गियटनोगैमी के अंदर उसी प्लांट के जो प्लांट है उसी प्लांट के एक फ्लावर से एंथर लोब पोलन ग्रेन उसी के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके स्टिक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम गियटनोगैमी। अब जब बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, क्रॉस मतलब कि क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रही है, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है इस प्लांट के एंथर लोब से पोलन ग्रेन्स इस दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा से जाके क्या कर लें, पॉलिनेशन कर लें, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर प्लांट एक ही होता है, फ्लावर चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर उसी एक ही फ्लावर के एंथर और एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं वो स्टिग्मा पर जाके उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चिपक मतलब स्टिक हो जाते हैं, तो उसको तो बोलते हैं हम ऑटोगैमी, और अगर ऐसा ना हो करके दूसरे प्लांट में जाके स्टिक होते हैं तो उसको बोलते हैं हम गियटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर प्लांट ही चेंज हो जाता है, बट दोनों का जो स्पीसीज है वो सेम होगा। अगर ये रोज़ प्लांट है तो रोज़ का रोज़ के साथ ही होगा, हिबिस्कस का हिबिस्कस किसका साथ ही होगा, मतलब कि प्लांट की प्रजैनी चेंज नहीं होगी बट प्लांट चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन के टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो हुआ हमारे पॉलिनेशन के टू टाइप्स के भी टाइप्स मैंने आपको बताए। अब मैं बताऊंगी सेल्फ पॉलिनेशन के, तो दोनों टाइप आपको मैंने बता दिए, अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और उसको कैसे आगे हम कर सकते हैं यह मैं आपको बताती हूँ। तो क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले हम देखेंगे एडेप्टेशन, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होने चाहिए। इसके तीन एडेप्टेशन है, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है, बाइसेक्सुअलिटी यानी कि बाई का मतलब दोनों, अगर मेल और फीमेल गैमेट अगर एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो चांसेस किसके ज़्यादा हो जाते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके का जो होता है जिसमें बाइसेक्सुअलिटी यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हों वह उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी, जिसका एग्जांपल होता है हमारा पी। दूसरा होता है हमारा होमोगैमी। होमोगैमी के अंदर क्या होता है, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट जब मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने पे जो हमारा स्टिग्मा होता है वो ज़्यादा ग्रो कर जाता है और ग्रो करके एक मैच्योर फॉर्म कर लेता है, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये होमो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि होते तो दोनों हैं बट दोनों में से जो फीमेल गैमेटोफाइट के जो पार्ट हैं स्टिग्मा वो ज़्यादा मैच्योरली ग्रो कर जाता है। उसमें एग्जांपल है हमारा कैथरेंथस, ठीक है,
और थर्ड है हमारा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी जो होता है ये हमारा वियोला और कोमेलिना के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो दोनों ही पार्ट होते हैं मेल और फीमेल वो ओपन नहीं होते हैं। ओपन ना होने की वजह से वो एक बर्ड फॉर्म कर लेते हैं, यानी कि बर्ड की कंडीशन में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा क्लिस्टोगेमी टाइप में होता है। ये अडेप्टेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्टली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। अब मैं आगे बताऊँगी आपको क्रॉस पॉलिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन को बता दिया था, उसके अडेप्टेशन बता दिए थे, तो बात आती है क्रॉस पॉलिनेशन को भी मैंने आपको पहले बता दिया था। क्रॉस पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट और वन प्लांट टू दी अनदर प्लांट, मतलब कि एक प्लांट के फ्लावर पे जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती हैं उस फ्लावर के प्लांट के उस प्लांट के फ्लावर से तो उसी स्पीसीज़ के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ में पॉलिनेशन हो जाना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के अडेप्टेशन के अडेप्टेशन होते हैं। अब वो अडेप्टेशन जो होते हैं जैसे कि सेल्फ स्टरिलिटी, सेल्फ स्टरिलिटी के अंदर क्या होता है कि जब मैंने बताया था कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर उसी प्लांट के उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। बट जब ऐसे कुछ इवन कंडीशन ना मिलने पर जब ऐसा नहीं हो पाता है कि उसी प्लांट के फ्लावर के एंथर लोब में से जो पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर जाके फ्यूज़ कर पाएँ, ऐसी कंडीशन में हमारा क्रॉस पॉलिनेशन काम करता है। तो उसके लिए अडेप्टेशन कंडीशन वो होती हैं जब इवन कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, ऐसे कंडीशन को हम सेल्फ स्टरिलिटी बोलते हैं। और सेल्फ स्टरिलिटी किसके लिए अडेप्टेशन अडेप्टेड होती है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। एग्जाम्पल हैं इसके पोटैटो, पिटूनिया, मालवा, विटेस, ये सब क्या हैं इसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंड पार्ट आ जाता है हमारा यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है यूनि मतलब आइदर वन, आइदर मेल आइदर फीमेल, मतलब कि कोई भी एक, मतलब कि यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि या तो मेल पार्ट ग्रो करे या फिर फीमेल पार्ट ग्रो करे। ऐसी कंडीशन में भी क्रॉस पॉलिनेशन ही मददगार होता है। दूसरा होता है हमारा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी के अंदर क्या होता है, एंड्रोशियम और गायनोशियम, मैंने एंड्रोशियम और गायनोशियम के बारे में बताया था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम गायनोशियम बोलते हैं। जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट टाइम पे ग्रो करें ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा डाइकोगैमी होता है। और ऐसी कंडीशन के लिए भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब डिफरेंट पार्ट कैसे कैसे ग्रो करेंगे, मतलब कि एंड्रोशियम कैसे गायनोशियम कैसे, तो इसके भी टू टाइप्स होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो डाइकोगैमी के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटेंड्री और दूसरा होता है हमारा प्रोटोगैमी। प्रोटेंड्री के अंदर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि डाइकोगैमी का क्या होता है कि या तो एंड्रोशियम पार्ट डेवलप हो जाए, मतलब एक टाइम पर एंड्रोशियम हो जाए या फिर गायनोशियम हो जाए। प्रोटेंड्री के अंदर क्या होता है, जब किसी फ्लावर के अंदर जो एंथर होता है वो स्टिग्मा से पहले मैच्योर हो जाए उसको तो बोलते हैं हम प्रोटेंड्री, जो कि एग्जांपल है हमारा चाइना रोज़, कॉटन, सनफ्लावर। यानी कि जो फ्लावर है उसके अंदर जो एंथर लोब्स होते हैं वो पहले मैच्योर हो जाएं, किससे पहले, स्टिग्मा से पहले, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री, जो कि किसका पार्ट है, डाइकोगैमी का। दूसरा पार्ट है हमारा प्रोटोगैनी। इसके अंदर क्या होता है, एंथर लोब को मैच्योर होने से पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, यानी कि पहले के जस्ट अपोजिट हो जाता है, इसमें किसके, प्रोटेंड्री के जस्ट अपोजिट हो जाता है। प्रोटेंड्री में एंथर्स लोब जो है वो पहले मैच्योर हो रही थी, स्टिग्मा बाद में, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है बाद में एंथर।
ऐसे इसका एग्जांपल है बेनियन और चांपा। दूसरा अगर हम एडप्टेशन में हम चौथा बात करें, तीसरा था हमारा डाइकोगेमी, चौथा हम बात करें हर्कोगेमी। हर्कोगेमी के अंदर क्या होता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है हमारा एंथर के पोलन, एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। बट जब ऐसा ना होकर कोई बैरियर आ जाता है और सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है जिसमें पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम हर्कोगेमी। ठीक है, दूसरा आ जाता है, पांचवा है हमारा हेटेरोस्टाइली। पांचवे में स्टेरोस्टाइली में हम क्या देखेंगे, तो पांचवा टाइप होता है हमारा हेटेरोस्टाइली के अंदर क्या होता है हमारा कि एक फ्लावर के तो लॉन्ग स्टैमेन होता है, शॉर्ट स्टाइल होता है, दूसरे फ्लावर का क्या होता है लॉन्ग स्टाइल होगी, शॉर्ट स्टैमेंस होंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो कौन सा पॉलिनेशन होगा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अडेप्टिव होती है, कैसी, हेटेरोस्टाइली। ये तो अडेप्टेशन हुए किसके, हमारे क्रॉस पॉलिनेशन के। इसके बाद कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है, मेथड्स में आ जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो किस मेथड्स के थ्रू होते हैं। तो इनका जो मेथड्स होता है वो एजेंट्स के थ्रू होता है। जैसा मैंने बताया था कि पॉलिनेटर्स के थ्रू ही पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो पाते हैं। तो वो पॉलिनेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले होगा हमारा विंड, जिसको हम बोलते हैं साइंटिफिकली एनिमोफिली। यानी कि एनिमोफिली में क्या होता है, जो विंड के थ्रू जो पोलन ग्रेन होते हैं, जो स्मूथ और लाइट वेटेड पोलन ग्रेन होते हैं, वो विंड के थ्रू इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें आ जाता है एग्जांपल टाइफा। दूसरा होता है हमारा वाटर, वाटर यानी जिसको हम साइंटिफिकली क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रो वर्ड जो होता है वो वाटर के लिए होता है। वाटर के अंदर या सरफेस पे दोनों में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है उस ट्रांसफ़र को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये वाटर के एजेंट्स होते हैं जो कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। इसके भी हाइड्रोफिली के भी दो टाइप होते हैं, हाइड्रोहाइफिली जिसके अंदर वाटर मतलब वाटर के अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा होता है हमारा ईफाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। तीसरा होता है हमारा इंसेक्ट, जिसको बोलते हैं हम एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब कि इंसेक्ट्स के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। जैसा मैंने बताया था कि मोस्टली जो ज़्यादातर होता है इंसेक्ट्स के थ्रू ही क्या होते हैं हमारे पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि जो फ्लावर होता है ये अट्रैक्ट करने के लिए उसकी पेटल्स में कलर होता है, एक डिफरेंट तरीके की स्मेल होती है और ये नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। उन नेक्टर को सक करने के लिए और उन फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स जो हैं वहाँ पर जाते हैं और उनके विंग्स से या लेग से वो जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं और वो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा तक, किसके थ्रू, इंसेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं एंटेमोफिली। तो ये तीन हुए हमारे विंड, वाटर, इंसेक्ट। चौथा होता है हमारा बर्ड और पांचवा होता है हमारा बैट। इसका मैं बताती हूँ, तो हमारा चौथा होता है, जो चौथा एजेंट होता है वो होता है हमारा बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली किसे बोलते हैं हम, बर्ड्स जो एजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्निथोफाइली। यानी कि बर्ड्स जो होते हैं, जैसे हमिंग बर्ड होती है, ये बर्ड्स जो होती हैं फ्लावर के पास नेक्टर को लेने के लिए आती हैं। ये नेक्टर लेने के थ्रू क्या करती हैं, सेम जैसे इंसेक्ट्स करते हैं, ये उस पर
एंथर लोब्स के ऊपर बैठते हैं, जिसमें से पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो निकल के उनके विंग्स पर स्टिक हो जाते हैं और वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये बर्ड्स के थ्रू होता है, सेम बैट्स के थ्रू होता है ऐसे, जिसे हम बोलते हैं कीरोपेट्रोफिली। ये कीरोपेट्रोफिली जो होता है, ये बैट्स जो एजेंट होते हैं इनको हम कीरोपेट्रोफिली बोलते हैं साइंटिफिकली। अब बात आती है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है, मैंने बताया था कि किसी भी स्पीसीज के अंदर जो ह्यूमन हो या प्लांट हो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन तो क्या जायकोट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो स्पीसीज आगे फर्दर डेवलप कैसे करेंगी। बट जब इस तरीके का फर्टिलाइजेशन किसी स्पीसीज में नहीं हो पाता है, ख़ासतौर से जब हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट के अंदर जब मेल यानी कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो करके फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, उस कंडीशन को हम इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, यानी फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको हम इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड का नाम देते हैं। इन फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाना, इस कंडीशन को हम बोलते हैं फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन। इनकम्पैटिबिलिटी भी दो तरीके के होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना होकर के फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ऐसी कंडीशन को हम इनकम्पैटिबिलिटी की फर्स्ट टाइप, इंटर स्पेसिफिक टाइप बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरा स्पेसिफिक। इंटरा स्पेसिफिक में क्या होता है, सेम स्पीसीज के बीच में होता है ऐसा, सेम स्पीसीज के बीच में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ ना कर पाएँ और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ना कर पाएँ, ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी केस को हम इंट्रा स्पेसिफिक केस बोलते हैं। इसको हम सेल्फ स्टरिलिटी केस भी बोलते हैं। सेल्फ स्टरिलिटी केस की वजह से क्या क्या होता है, पोलन ट्यूब ग्रो नहीं कर पाते हैं, एंथर डेवलप नहीं कर पाते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं किसके, इंट्रा स्पेसिफिक यानी सेल्फ स्टरिलिटी के। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र पढ़ा यानी कि पॉलिनेशन पढ़ा। पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर लोब टू द स्टिग्मा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन के टाइप्स पढ़े, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप पढ़े, उसके बाद उसके अडाप्टेशन पढ़ा। सेम ऐसे ही क्रॉस पॉलिनेशन में उसका अडाप्टेशन और उसके मेथड्स अभी हमने कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्टिलाइजेशन बताऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू।